नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको, पावड़िया फला में वाटर बॉक्स के जो नल हैं उसमें से पानी आ रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी, कितना गंदा पानी आ रहा है। कई लोगों ने शिकायत की। जब हम मौके पर हमारी टीम पहुंची तो हमने देखा कि नल से पानी आ रहा है और उसमें कितना गंदा पानी है। अब देखिए, पहले हमने उसको कढ़ाई में लेने के लिए कहा और एक बोतल भी भरने के लिए कहा, जिसे ताकि सैंपल के लिए भेजा जा सके। अब देखिए, ये बोतल में भी इसी तरह का पानी आया है और कढ़ाई में भी भरा पूरा, तो इसी तरह से पानी था। और इसी तरह से फिर पास में एक, अब देखिए ये बोतल में पानी देखो कितना गंदा दिखाई दे रहा है। अब किस तरह का पानी है ये देखिए, कढ़ाई में भी यही पानी है। और ये किस तरह का पानी है और कैसे आ रहा है, पाइप टूटी हुई है या बोरिंग में से ही अलग पानी आ रहा है, मिट्टी कि जैसा आ रहा है पानी उसमें फ्लोराइड जैसा दिख रहा है। वैसे भी पूर्व में पावड़िया फला में जो पाइपलाइन है उसमें से गंदा पानी आने की शिकायत रही है कई सालों तक, लेकिन वाटर बक्स के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बस लोग शिकायत करते हैं, ठीक है, करवाते हैं, आना आना चलते हैं, लेकिन प्रशासन किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक तरफ उनका स्वास्थ्य खराब करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी चल रही है। उस कोरोना महामारी में इस तरह का अगर लोग पानी पियेंगे तो बीमार पड़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कलछी में भरा गया पानी, अब देखिए ये पानी से हमने कलछी में पानी भरवाया तो उसमें भी पानी इसी तरह का ही लगा। कलछी, जिसे लोकल भाषा में घुनिया कहते हैं, उसको भी भरा गया, तो उसके अंदर भी हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि प्रशासन को सूचना दी जाए। हमने सूचना भी दी, जयन से भी बात की, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया। अब कहीं ऐसा ना हो कि जनता आंदोलन की तैयारी कर ले, जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण करें। धन्यवाद।